व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हूँ, इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो गाइस देखो, ऑफ सीज़न चल रहा है, कंटेंट की कमी आ चुकी है बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियोज़ की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है आजकल। मतलब लिमिटेड सा कंटेंट है, तो लिमिटेड सी अमाउंट ऑफ वीडियोज़ अपलोड हो रही है, तो इसलिए काफ़ी दिनों से गायब हूँ। थोड़ा चिल कर रहा हूँ, धीरे धीरे कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, बना रहा हूँ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, लगभग सभी क्रिएटर्स के साथ हो चुका है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, जैसे जैसे सीज़न शुरू होने लगेगा वैसे वैसे वीडियोस की क्वांटिटी बढ़ेगी और फिर से बहुत सारी वीडियोस आने लग जाएगी इस चैनल पर। फिलहाल हम लोग बात करेंगे ATK मोहन बगान और बेंगलुरु FC के बारे में। तो AFC का ग्रुप डी के मैचेस रिज्यूम होने वाले हैं और ये ATK मोहन बगान, बेंगलुरु FC और इंडियन फुटबॉल के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। तो सबसे पहले तो जो ग्रुप डी के मैचेस है गाइस, वो मालदीव्स में खेले जाएंगे। तो 15 अगस्त को बेंगलुरु FC खेलेगी ईगल्स यूनाइटेड के अगेंस्ट अपना क्वालिफायर का मैच, और इन दोनों टीम्स में से जो भी टीम जीतेगी वो ग्रुप डी की बाकी टीम्स को ज्वाइन करेगी, जो कि है ATK मोहन बगान, वसुंधरा किंग्स और माजिया स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। तो ग्रुप डी के जो गाइस मैचेस खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे 18th अगस्त को, फिर 21st अगस्त को और फिर 24th अगस्त को। तो गाइस जो भी टीम इस ग्रुप को लीड करेगी वो डायरेक्टली, मतलब जो भी इवेंचुअल ग्रुप लीडर होगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी इंटर जोनल सेमीफाइनल्स को। तो गाइस देखते हैं इन टीम्स में से कौन सी टीम जाएगी आगे इंटर जोनल सेमीफाइनल्स को। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारा इंडिया का ही क्लब हो, और अगर मुझे एम्फसाइज करना हो तो ATK मोहन बगान हो तो बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस देखते हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि इंडिया का क्लब ही आगे जाए और जीते इस टूर्नामेंट को। सो गाइस दैट्स द वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, पीस आउट।